हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रिंस है और आप देख रहे हैं प्रिंस फैंटेसी एक्सपर्ट। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं खास टॉपिक पर बात करने वाला हूं, ड्रीम इलेवन पर ग्रैंड लीग जीतने के लिए विनिंग माइंडसेट कैसे डेवलप करना चाहिए। अगर आप ड्रीम इलेवन में जीतना चाहते हो तो ये एक खेल नहीं है, ये आपके सोचने और योजना बनाने की क्षमता पर भी निर्भर करता है कि आप जीते हुए या फिर नहीं। एक सही माइंडसेट गेम को पूरी तरह से बदल सकता है। तो चलिए जानते हैं वो खास बातें जिनसे आप एक विनर की तरह सोच सकते हैं और ग्रैंड लीग को जल्द ही हासिल कर सकते हैं। पॉइंट नंबर एक, हार को सीखने का मौका समझो। सबसे पहले तो हार को सीखने का अवसर समझो। कई बार ऐसा होता है कि हम ग्रैंड लीग में हारते हैं और हताश हो जाते हैं, लेकिन एक विनर की माइंडसेट यही होती है कि वो अपने हार से सीखता है, मैच के बाद अपनी टीम और मैच के सभी एस्पेक्ट्स का एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है कि कहां पर गलती हुई है, कौन सा प्लेयर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया, क्या पिच रिपोर्ट थी, वीदर फोरकास्ट का सही अंदाजा लगाया गया या फिर नहीं लगाया गया। हर हार में सीखने का मौका होता है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। दूसरा जरूरी माइंडसेट है रिस्क लेने का। ड्रीम इलेवन ग्रैंड लीग में सुरक्षित खेलना आपके विनिंग चांस को कम कर सकता है। अगर आप वही टीम बनाते हैं जो सबसे ज्यादा लोग बना रहे हैं तो जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रोफेशनल प्लेयर्स रिस्क लेते हैं, कभी कभी ऐसे प्लेयर्स को चुनते हैं जिनका सेलेक्शन परसेंटेज कम होता है। रिस्क लेना आपको क्राउड से अलग बना सकता है और आपके पास विनिंग एज लाने का मौका होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे रिस्क ले, हर रिस्क को सोच समझकर उठाना आपके लिए ग्रैंड लीग जीतने का मौका हो सकता है। पॉइंट नंबर तीन, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रखें। तीसरा महत्वपूर्ण माइंडसेट है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी रखना। ग्रैंड लीग जीतने के लिए पेशेंस की बहुत जरूरत होती है। कई बार ऐसा हो सकता है कि लगातार कई मैच में जीत ना मिले, लेकिन इससे घबराना नहीं है, अपना एनालिसिस सुधारते रहें, टीम बनाने के तरीकों पर काम करते रहें। ये भी समझे कि ग्रैंड लीग में जीतना एक दिन का खेल नहीं है, ये एक लंबा सफर है जिसमें आपके पास निरंतर अभ्यास और सुधार की जरूरत होती है। हर मैच से थोड़ा थोड़ा सीख कर एक बेहतर खिलाड़ी आप बन सकते हैं। पॉइंट्स नंबर चार, एक्सपर्ट्स और ट्रेंड्स को फॉलो करें लेकिन अपनी सोच भी रखें। चौथा माइंडसेट है कि एक्सपर्ट के इनसाइट्स को देखें और ध्यान से सुने लेकिन ब्लाइंडली फॉलो ना करें। ड्रीम इलेवन में कई लोग एक्सपर्ट के प्रेडिक्शन पर निर्भर रहते हैं, लेकिन अपनी खुद की सोच भी डेवलप करनी चाहिए। एक्सपर्ट और ट्रेंड से सिर्फ गाइडलाइंस लें, लेकिन अपनी स्ट्रेटेजी और जजमेंट को भी कंसीडर करें। एक्सपर्ट की राय को अपने गेम नॉलेज के साथ मिलाकर एक बैलेंस अप्रोच आपको रखनी होगी अगर आप ग्रैंड लीग जीतना चाहते हैं तो। पॉइंट नंबर पांच, पॉजिटिव सोच और फोकस्ड रहें। आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि अपने सोच को पॉजिटिव और माइंड को फोकस्ड रखें। कई बार हम हार या कम पॉइंट्स मिलने पर हताश हो जाते हैं, लेकिन एक विनर की माइंडसेट होती है कि वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है और अपनी मेहनत पर विश्वास रखता है। अपने गोल्स को याद रखें, अपनी स्ट्रेटेजी पर भरोसा रखें, अपनी मेहनत से कभी पीछे मत हटें। ग्रैंड लीग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। धीरे धीरे आप जीत की तरफ बढ़ेंगे। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव और फोकस रहेगा तो आप ग्रैंड लीग जीत सकते हैं। एक दिन आप 1 करोड़ रुपए जीत सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ माइंडसेट टिप्स जो ड्रीम इलेवन ग्रैंड लीग में आपकी जीत के चांस बढ़ा सकते हैं। हमेशा याद रखें, जीत का असली रास्ता यही माइंडसेट से शुरू होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली वीडियो किस टॉपिक पर होनी चाहिए। गुड लक फॉर योर नेक्स्ट मैच। मिलते हैं अगली वीडियो।